चाहे क्वेश्चन में जितने ट्विस्ट दे, बच्चा घूम नहीं जाता है बल्कि घुमा के आता है। ये यहाँ की खासियत। तो आप देखिए, हम इंग्लिश में जो कोर सब्जेक्ट है, सबसे पहले जो हम यहाँ शुरू करते हैं वो तो अलग दास्तान है। लोग वो पढ़ाते हैं, नाउन से शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ा देते हैं। यहाँ सीधे हम आपको ग्रामर की जान आपको सौंप देते हैं। जब आपको जान मिल गई फिर क्या है, बचपन से आपने अंग्रेजी पढ़ा है तो यहां पर आपको फील होगा, आप कहेंगे बचपन का प्यार है, भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा जान है, जान तुझे किया है। ये सब आप यहाँ खुद गुनगुनाएंगे क्योंकि ऐसी अंग्रेजी आपको जरूर मिलेगी। तो कोर सब्जेक्ट में यहाँ पे हम सबसे पहले वर्ब शुरू करते हैं, वर्ब के साथ फिर हम टेंसेस शुरू करते हैं, टेंसेस के साथ हम नरेशन शुरू करते हैं और फिर वॉइसेस। ये आपका कोर पार्ट रहता है इसमें। इसी पे आपको एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन मिलते हैं। और रही बात हमारे ये एसएसबी के और एसएससी के, इनमें एक टॉपिक आपको अलग से बताया जाता है, वो है रीडिंग कॉम्प्रेंशन का। रीडिंग कॉम्प्रेंशन का, ये रीडिंग कॉम्प्रेंशन के आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। लोग समझते हैं हम तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुफ्त मिलेंगे ना, मुफ्त में नहीं, कोई भी चीज लाइफ में मुफ्त नहीं है। ये जो आपको रीडिंग कॉम्प्रेंशन में सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, इसमें आपको टाइम आपका लिया जाता है। आप रीडिंग कॉम्प्रेंशन तो आप पढ़ते रहते आप टाइम वेस्ट करते हैं। हालांकि कॉम्प्रहेंशन हम उस टेक्निक को कहते हैं कि आप पढ़ते पढ़ते चीजें समझना शुरू कर दे, और जितनी आपके पास रीडिंग कैपेबिलिटी होगी, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी होगी, उतना जल्दी आप कॉम्प्रहेंशन को समझेंगे और दिए गए क्वेश्चन को आप इजीली समझाएंगे। समझ रहे हैं आप बात? तो हमारा जो इंग्लिश ग्रामर ये यहां पर सबसे टॉप क्लास, और ये हम बड़े दावे से कहते हैं, हाँ अल्लाह का शुक्र है, ये दावे से मैं बात कहता हूं, हमारी ग्रामर जो है ये यूपीएससी आईएएस तक इसको टच करती है। बल्कि हमारे बच्चे जो है, हम यहाँ पर अपने ऑफलाइन कोर्सेज में हम आईएएस एएएस का पेपर लाते हैं, बच्चे हमारे खुद उसके सवालों के जवाब देते हैं, ऐसी ग्रामर है। तो आप जरूर हमारे ये जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस है इनमें आप एनरोल करिए। और दूसरी बात, यहां पर आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगी। बच्चों के बीच में डाउट्स आते हैं, हमारे पास बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, डाउट लाइव क्लासेस के दौरान ही आपको सॉल्व करा जाएगा। और दूसरी बात, लेक्चर तो रिकॉर्डेड है, आपको कहीं कंफ्यूजन आता है आप उसको रिवाइंड करिए, दोबारा समझना है। अच्छा, वहां अगर और कंफ्यूजन आती है आप हमें कमेंट कीजिए, आप हमें मेल करिए, सर ये मसला आ रहा है तो ये हम कर देंगे, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड कम टू जॉब सडा लेस्ट इट शुड बी लेट। चलो, आपको पता ही है हमारी टीम इतनी बड़ी है, अगर हर बंदा यहाँ सामने आएगा तो शाम तक तो इधर ही पहुंच जाएंगे। हर सब्जेक्ट के दो दो तीन तीन दुरदर बंदे। अब हमारे गौरव सर आएंगे जो मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, ये आपको मैथ्स के बारे में बताएंगे कि किस लेवल तक पढ़ाएंगे और कितना डेप्थ होगा। तो सर बच्चों को मैथ्स के बारे में बताओ। तो फिर ये नया बैच जो है ये ट्यूजडे को स्टार्ट हो रहा है, तुम्हें बताना ही भूल गया, मंडे और ट्यूजडे से बैच स्टार्ट है, लाइव भी चलेगा, रिकॉर्डेड भी चलेगा। जो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, हमारे सभी क्लासरूम एसी वाले हैं, आपको गर्मी का तो अंदाज ही नहीं होगा। और अगर लाइट, एक बात और भी बताऊं, लाइट तो अगर जम्मू में एक हफ्ता भी लाइट जाएगी ना, तब भी जॉब अड्डा में लाइट नहीं जाएगी, बड़ा सेटअप तैयार किया है। तो भी आपको सर बताएंगे मैथ्स के बारे में। चलिए, हेलो एवरीवन, अगेन आपके सामने, बहुत बार ऑलरेडी आपने देखा होगा, अगेन आपके सामने आपका गौरव सर। सर ने बता ही दिया कि मैथ्स का टीचर हूँ एंड क्या पढ़ने वाले हैं, ऑलरेडी स्ट्रेटजीज काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, आपके जितने भी टीचर्स अभी तक आए सभी ने स्ट्रेटजीज बताई, यूपीएससी में, बैंकिंग में, एसएससी में, एसएसबी में क्या होता है। सिंपल एक ही बात बोलूँगा, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैथमेटिक्स एक प्रॉब्लम है, और ऑलरेडी अगर बात करूँ तो ये प्रॉब्लम्स दूर तभी हो सकती हैं जब आपको पढ़ाने वाला इंसान कोई ऐसा मिल जाए जो क्या हो, बोरिंग हो, क्लियर, बोरिंग ना हो, तभी जाकर के वो प्रॉब्लम्स दूर हो पाएंगी। बट मैं आपको 110% एक कमिटमेंट के साथ बोलता हूं कि मैं एक्चुअली मैं बहुत बोरिंग इंसान हूं, कभी क्लास में आके तो देखो, बहुत बोरिंग इंसान हूं, इतना बोर करता हूं कि आप क्लास में आएंगे तो पक्का 110% सो के जाएंगे, वो सोने की गारंटी मेरी है, क्लियर है। क्लास में आकर के देखिएगा एक बार। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा स्ट्रेटजी के बारे में, हम सिर्फ एक ही चीज पढ़ाते हैं, क्या, जीरो टू हीरो तक,
क्लियर, ऑलरेडी आपको बोल भी चुके हैं। तो हम सबसे पहले आपको लोअर लेवल करवाया जाएगा। लोअर लेवल में क्या होगा, जितने भी स्टूडेंट जो जीरो है, जिनको कुछ भी नहीं आता, उनको डिस्कस किया जाएगा। देन आफ्टर हम क्या पढ़ाने वाले हैं, हम मॉडरेट लेवल पढ़ाएंगे। देन आफ्टर हम हाई लेवल पे जाते हैं, यानी कि डिफिकल्ट लेवल पे जाते हैं। तो डिफिकल्ट लेवल पे जैसे ही कोई भी स्टूडेंट आएगा और उसको समझ पाएगा तो 110% क्लियर करता हूं, तो यूपीएससी तक का तो एग्जाम क्वालिफाई 110% करेगा। बाकी बातें करने की ज्यादा मुझे आदत नहीं है, लास्ट यही बोलूंगा। क्या बोलूं, हीरे हो तुम, हीरे हो तुम तो जोहरी है हम, जोहरी जोहरी, हीरे हो तुम तो जोहरी है हम, तराश जरूर डालेंगे, ना भी बनना चाहो तुम कब, ना ही बनना चाहो तुम कुछ, तब भी नैब तहसीलदार तो बना ही डालेंगे। क्लियर, तो इतना ही क्लियर करता हूँ, तो यहीं पर खत्म करता हूँ, बाकी वापिस देता हूँ अपने फेवरेट सर को। बस अब हमारी ये सर, ये हमारे जॉब अड्डा की तो 1/4 टीम है। बहुत अच्छा, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया कि अन अकेडमी के जो इंडिया के टॉप प्लेटफॉर्म के टीचर भी हमारे पास पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स तो वही डील करते हैं। और मैं आपको बताऊं, जब डॉक्टर भरत सर और दिल्ली की टीम जब यहाँ पढ़ाते हैं तो बच्चे पानी भी मांगना भूल जाते हैं, चार चार पांच पांच घंटे की क्लास लगाते हैं, और क्या मजाल है, बच्चा बोले सर पानी पीने के लिए छोड़ दो। मैं फिर से यही बोलूंगा कि बच्चा तो पढ़ता ही है, गर्मी भी है, मगर वो टीचर की टीम होनी चाहिए ना जो चार घंटे आपको लगातार वहां पे रोक के रखे। तो ये आपके सामने आपके सारे सुनहरे हीरे हैं। तो ट्यूसडे को नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन कम ऑफलाइन। ऑनलाइन वाला बच्चा एक साल तक घर पे बैठ के पढ़ेगा, टेस्ट सीरीज देगा, लेक्चर दोबारा से देखेगा, और उसके बाद नया फिर से बैच स्टार्ट होगा, इवनिंग का बैच स्टार्ट होगा। तो बस हम सभी टीचर का बस कुछ कहना चाहती हूँ तो कहो, तो बस मंडे उसके बाद। तो आपने सर से एक बात सुनी होगी, मुझे याद आ गया, सर ने बोला हमारा एक सर आते हैं तो चार घंटे भी बंदा बैठता और पानी नहीं मांगता। तो आप समझ सकते हैं हमारा लेवल क्या है, हमारा पढ़ाया पानी नहीं मांगता है। क्लियर, तो यानी कि हम किस लेवल का आपको पढ़ाते हैं, आपका इंटरेस्ट लेवल क्या होता होगा, आप वो समझ सकते हैं। तो बाकी एक चीज तो कन्फर्म करता हूँ, जितने भी टीचर स्टेज पे हैं सबके सब धुरंधर हैं, महारथी हैं अपने अपनी फील्ड के, और सबके सब बोरिंग इंसान हैं। इनकी बोरिंग को दूर करने के लिए आप आइए जरूर, एक बार चेक करिएगा बोरिंग किस लेवल के हैं, और आएंगे क्लास में तभी आपको पता चलेगा। एंड लास्ट हम खत्म करते हैं एक तड़कती फड़कती शायरी के साथ, और शायर इंसान हमारे पास है, इनको कोई छोड़िए बोलता नहीं। मैं किस किस का नाम लूं, हमारी जो फैकल्टी है ये जम्मू एंड कश्मीर की टॉप मोस्ट फैकल्टी, और ये सिर्फ जुमला नहीं है, हमारे बच्चे ये कहते हैं और उनकी दिल की आवाज़ ये है। तो मैं इनमें से किस किस का नाम लूँ, मैं किस किस का नाम लूँ जो जहाँ पर है वही आफ्ताब है, और जो लोग मेहनत से किनारा नहीं करते, वो मुसीबतों से घबराया नहीं करते, और बहादुरी तो ये है तू सामना कर मुश्किलों का, बहादुरी तो ये है कि तू सामना कर मुश्किलों का, मुश्किलों के डर से मौत को पुकारा नहीं करते। ये जज्बा आपके पास होना चाहिए, आप जल्दी से जॉब सर्टो को एनरोल करिए, और इतनी कमाल की फैकल्टी आपको 101% सेटिस्फेक्शन के साथ पढ़ाएगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए, ताकि ये क्वालिटी कंटेंट सभी के पास पहुंच जाए, और बहुत से दूर दराज एरिया से लोग ऑफलाइन बैच में नहीं आ सकते हैं तो हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस में वो इजीली घर बैठे हमारे लाइव लेक्चर्स पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ जॉब सर्टा।